अस्सलाम वालेकुम माय किचन आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए देसी स्टाइल चाइनीज राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं एक सूप के साथ सर्व करूँगी। और ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, जो कि सर्दियों में और रेनी सीजन्स के लिए बेहतरीन है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिएगा। आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 300 ग्राम्स चिकन ले लेंगे, यानी कि 300 ग्राम चिकन। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी कि 1/4 चाय का चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी कि 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 कप्स वाटर यानी कि 4 कप पानी। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और इसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसके ऊपर जो भी झाग होगी इस तरीके की वो निकाल लेंगे। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। 45 मिनट्स के बाद देखिए चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। चिकन का तमाम फ्लेवर जो है वो पानी में आ चुका है। चिकन को निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके चिकन को हड्डियों से यानी कि बोन से अलग कर लेंगे। चिकन को श्रेड कर लेंगे। अब हम कोई भी एक छोटी छन्नी ले लेंगे और उसकी मदद से इसको इस तरीके से छान लेंगे, ताकि हमारा जो ये ब्रॉथ यानी कि यखनी है इसमें जो भी इस तरीके के चंक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। जितना आपको सूप तैयार करना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एरोमेटिक वेजीज यानी कि खुशबूदार सब्जियां। 1 टेबल स्पून ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज एंड 1 टेबल स्पून कैरेट्स यानी कि गाजर। इसको कवर करके लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि तमाम वेजीज़ की खुशबू जो है वो हमारी यखनी में आ जाए। तो देखें, इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए अच्छे से पकाया है और वेजीज़ का जो खुशबू है वो अच्छे से यखनी में आ चुकी है। अब आप चाहें तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से आप सूप में छोड़ भी सकते हैं, तो मैं इसको नहीं छान रही। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर। तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। मैं यहाँ पर जितनी सूप की क्वान्टिटी बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने डाला है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को हस्ब ज़रूरत पानी में हल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको सूप में ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। जब आपकी एक बार यखनी में उबाल आ जाए तभी आप कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा, तो इससे थिकनेस का अंदाज़ा फ़ौरन से हो जाता है। तो थिकनेस देखते हुए हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप मज़ीद थिक सूप पसंद करते हैं तो आप और कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, मुझे यही कंसिस्टेंसी पसंद है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 एग। तो एक अंडा ले लेंगे और उसको कांटे की मदद से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और अब हम इसको बिल्कुल फाइन पतली सी लाइन में बना के डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और हल्का हल्का मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे आप तो आपका जो अंडा है वो इसमें बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल हल हो जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे तो अंडे के चंक्स बहुत मोटे बनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे श्रेडेड चिकन जो हमने पहले श्रेड करके रखी थी। एक बॉयल अंडे को छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे और जो भी कम है सॉल्ट या वाइट पेपर हम इसमें ऐड कर लेंगे। और सोया सॉस रेखा और चिली सॉस जो है वो हम सूप के साथ बाद में सर्व करेंगे, जिसको जितना पसंद है वो उतना डाल ले। तो सूप जो है वो तैयार है बिल्कुल। हम तैयार कर लेंगे राइस। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज़ की गोभी को जूलियन काट के इसमें डाल देंगे। गोभी को बहुत ज़्यादा फाइन मत काटिएगा, क्योंकि अगर आप गोभी को बहुत फाइन काटेंगे तो गोभी इसमें बिल्कुल चावल में नज़र भी नहीं आएगी। एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, वो भी जूलियन में कटी हुई। एक कैरेट यानी कि गाजर, वो भी जूलियन में कटा हुआ।
अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देंगे यानी कि नमक आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर यानी कि आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस यानी कि 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, विनेगर डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, और इसको मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ग्रीन अनियन। तो 2 से 3 हरी प्याज को आप चॉप करके इसमें डाल दें, और हरी प्याज डालते ही इसको बस हल्का सा मिक्स करके इसको फ्लेम से हटा लेंगे। अब हम राइस का मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम 4 टमाटर ले लेंगे, उसको 4 पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो आप टमाटर का छिलका भी उतार सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 10 से 12 अदद ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्चें, और अब हम इसको हसबे ज़रूरत पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक पतीली ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप से थोड़ा कम ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चिकन क्यूब, या अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब ना हो तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून नमक। चिकन क्यूब जो है उसमें भी नमक है, और हमने सब्जियों में भी नमक डाला है और चिकन पाउडर भी डाला है, तो सारी चीजों को देखते हुए ही नमक डालेंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पे 20-25 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक जो हमारा टमाटर है उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। अच्छे से जब हमारे मसाले में तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे राइस यानी कि चावल 1/2 kg। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो के पानी में भिगो के रखा हुआ था। इसमें ऐड कर लेंगे हम पानी। पानी इतना होना चाहिए कि आपके चावले से पानी जो है वो 1 इंच ऊपर उठा हुआ हो। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वेजीज जो हमने स्टर फ्राई की थी। ऑलरेडी हमने वेजीज में भी नमक डाला है, इसलिए आप नमक को इस मौके पे चेक कर लीजिएगा कि कितना नमक है। उसके बाद अगर जरूरत हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर करके हाई फ्लेम पे पकाएंगे तब तक जब तक इसमें जो तमाम पानी है वो एवेपोरेट ना हो जाए। तो देखें जैसे ही इसमें पानी खत्म होने लगेगा तो हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत ही एहतियात से चावलों को हैंडल करते हैं वरना वो टूट जाते हैं। बीच में चम्मच नहीं मारते, हमेशा साइड से चावलों को लेके बीच में आते हैं। तो देखिए पानी जो है वो अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम चावलों को छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद हम चावल को एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारे चावल जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए कितने जबरदस्त से चावल तैयार हुए हैं, और टेस्ट भी होम कुक से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चावलों को हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म सूप के साथ। चावल को गार्निश कर लेंगे हम बॉयल्ड एग और हरी प्याज चॉप की हुई हरी प्याज से। सूप के साथ हम सर्व कर लेंगे थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस। सूप के साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, हरी मिर्चों को आप थोड़ा सा फाइन चॉप करके वाइट विनेगर में रखें और उसे सूप के साथ सर्व करें तो बहुत अमेजिंग लगता है। तो माय बिलव्ड किचन आर्मी, तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से देसी स्टाइल चाइनीज राइस। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है।
तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त से देसी स्टाइल चाइनीज राइस। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।